चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक बनी हुई है। रविवार शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से ही उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि जयललिता की हालत में पहले से सुधार है, लेकिन वह अभी भी CCU में भर्ती है। वहीं जयललिता की तबीयत बिगड़ने की खबरों के बाद से ही अम्मा समर्थक भारी संख्या में अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। उनके लिए दुआओं का दौर जारी है, समर्थकों के आंसू नहीं रुक रहे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह जयललिता के समर्थक परेशान हैं। अम्मा की सेहत से चिंतित महिलाएं आंसू बहा रही हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं। कल शाम से ही लोगों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर उपस्थित है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रैपिड एक्शन फोर्स की 9 यूनिट को जरूरत पड़ने पर भेजने के लिए तैयार कर रखा है। आपको बता दें कि हर यूनिट में करीब 100 सुरक्षा बल होते हैं। वहीं राजनीतिक जगत ने भी जयललिता की तबीयत पर चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है, तो वहीं PM नरेंद्र मोदी को भी जयललिता की हालत की जानकारी दे दी गई है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमिलनाडु के राज्यपाल CVidyasagar से फोन पर बात की और जयललिता का हालचाल जाना। वहीं राज्यपाल CVidyasagar भी मुंबई से चेन्नई लौटकर अस्पताल पहुंचे और CM की हालत की जानकारी ली। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। पूरा तमिलनाडु इस वक्त परेशान है, चिंतित है। राज्य की CM जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी है। आपको बता दें कि जयललिता पिछले 73 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। बीच में उनके ठीक होने की खबरें भी आ रही थी, लेकिन कल शाम अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी हालत फिर खराब हो गई। बेहतर इलाज के लिए अब एम्स के डॉक्टर्स की टीम चेन्नई जा रही है। जयललिता से जुड़ी तमाम जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए TP Live।